ओके सो हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिजन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन, हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बात किया था, अब टाइप्स ऑफ कोलिजन देखते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ कोलिजन, कितने टाइप के कोलिजन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना जरूर से। टाइप्स ऑफ कोलिजन देखते हैं हम लोग, तीन टाइप के कोलिजन होते हैं, ठीक है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तीन टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। ये तीनों हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं, ई की वैल्यू से। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है, ई इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों का मैग्नीट्यूड, राइट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना जरूर से, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इलास्टिक इज इक्वल्स टू, इलास्टिक के लिए क्या होता है, ई की वैल्यू इक्वल्स टू वन होती है, ठीक है। इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू वेरी करती है वन से जीरो के बीच, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। ये होता है, इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, सेम है, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम है, ठीक है, थोड़ा कम है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ये होता है जिसमें कि सेपरेशन वेलोसिटी एकदम नील हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है, सैंड है, मान लो सैंड, एक बॉल को फेंका, बॉल गिरा। अब ये सैंड में जब बॉल गिरेगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कि वो वापस उतने हाइट तक जाएगा, नहीं ना। वो क्या, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो सैंड में क्या हो जाएगा, सैंड में धस जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो उसकी अप्रोच वेलोसिटी थी वो कुछ फाइनाइट थी, वी है ना, बट जो उसकी रिटर्निंग वेलोसिटी है वो कुछ नहीं है, वो वहीं पर क्या हो गया, सैंड के साथ में चिपक गया। इसका मतलब कि वो उसकी जो सेपरेशन वेलोसिटी दैट इज जीरो, उसकी जो सेपरेशन वेलोसिटी है दैट इज जीरो। दैट मींस अगर हम लोग v2 बाय v1 करें तो दैट कम्स आउट टू बी जीरो, दैट्स अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन मतलब बॉल आया, है ना, बॉल आया, हाइट h से आया, ड्रॉप आया कुछ v वेलोसिटी से, उसी v वेलोसिटी से वापस से ऊपर ऊपर की तरफ गया एंड उस हाइट h को वापस से उसने अचीव कर लिया। इस टाइप की सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। रियल लाइफ में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन नहीं देखने को मिलता है और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी नहीं देखने को मिलता है, इन दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है, दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये एक आइडियल केस है, ये भी एक आइडियल केस है, जो रियल केस है दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें हमारी जो वेलोसिटी है वो हिट करने के बाद में थोड़ी सी कम होती है, मतलब कि हाइट एज से बॉल आया, हिट किया, रिबाउंड किया, बट पूरी हाइट एज तक वापस नहीं पहुंच पाया, किसी रैंडम एज डैश हाइट को अचीव किया, वेयर एज डैश इज लेस देन एच। ये हमारी रियल लाइफ सिचुएशन होती है। आप कोई भी बॉल लेना, ड्रॉप खिलाना, ठीक है, ड्रॉप खिला के छोड़ देना, जंपिंग बॉल ले लेना, बचपन में जिससे हम लोग खेलते थे, ड्रॉप खिलाना, ऊपर उछलेगा नीचे जाएगा, ऊपर उछलेगा नीचे जाएगा, ऊपर उछलेगा, एंड धीरे धीरे उसकी जो हाइट है वो कम होते 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 वो जमीन में जाके रुक जाएगा। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द सर्फेस विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। That's the real life situation for an elastic collision, right? ये होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो कि categorize कैसे करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, momentum conservation, momentum conservation, momentum is conserved in this case, momentum is conserved in this case as well, and momentum is conserved in this case as well. हम लोग momentum conservation पढ़े हैं, ठीक है। Internal forces cancel out each other. No inter external forces applied, so the momentum remains constant, ठीक है। So the momentum conservation मतलब कि m1 v1 like m initial v initial plus m2 initial v2 initial is equals to m1 final v final plus M2 final, V final, right? Something of that sort. That means, basically what I mean to say is,
कि जो मोमेंटम है इंडिविजुअल मासेस का बिफोर कोलिजन एंड जो मोमेंटम है इंडिविजुअल मासेस का आफ्टर कोलिजन, उसका जो समेशन है, मतलब कि जो सिस्टम का मोमेंटम है विद वेक्टर साइन, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो नेट मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, दैट इज अ कांस्टेंट इन ऑल दीज थ्री केसेस अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस इज अप्लाइड, राइट। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द बॉडीज राइट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड इन दिस केस, बट इन दीज टू केसेस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हियर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दैट्स द प्रॉपर्टी, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, राइट। इन दिस देर इज नो लॉस, राइट, देर इज नो लॉस ऑफ एनीथिंग, देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, सो द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बट इन दीज टू केसेस there is some loss of energy and so the kinetic energy initial does not equal the kinetic energy final, the kinetic energy initial does not equal the kinetic energy final, whereas the momentum remains constant in all the three cases, the momentum remains constant in all the three cases, right? So these three are the broad classification of the type of collision. I hope you liked it, right? ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक। अब आप इन दोनों वीडियो में से कोई सी भी देख लो, ठीक। सब्सक्राइब बटन आपने क्लिक नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, आप इन दोनों में से चूज कर लेना। थैंक यू।